हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स कंटिन्यू विथ आवर नेक्स्ट टॉपिक, मोशन ऑफ कार ऑन अ बैंक रोड। बैंक एंड कर्व्ड, टाइटल तो ये आएगा। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया था कि आपका जो रोड है वो अब ऐसा है और कार जो है वो ये रोड पे ऐसे है, मतलब ऊपर नहीं जा रही, हेडलाइट ये है, ये हेडलाइट है, मतलब आपकी कार ऐसे बाहर आ रही है बीच में से और ऐसे गोल गोल घूम रही है, ऐसे टेढ़ा रोड है और गोल गोल घूम रही है। मैंने आपको बोला था ना, जब मेले में देखते हो डेथ वेल, मौत का कुआ बोलते जिसको, वो काइंड ऑफ, ठीक है। सो व्हाट्स हैपनिंग व्हेन द कार विच इज ऑन द बैंक रोड, बैंक प्लस कर्व रोड, व्हाट विल हैपन। सो पे अटेंशन, मान लो ये आपका रोड है एंड दिस वन इज योर कार, रेडी द हेडलाइट। अब ये केस में ये कार पे कितने टाइप के फोर्स लगेंगे, पहला लगेगा नीचे mg, रेडी। फिर यहां पे मैंने बोला था कि यहां लगेगा n, रेडी, चलो। और यहां पे थीटा बनाओ तो हो जाएगा mg cos थीटा, यहां पे हो जाएगा mg sin थीटा। बट एक्चुअली मैं अगर देखने जाऊं तो हमें रिक्वायरमेंट उसकी है ही नहीं। हमें रिक्वायरमेंट किस चीज की है, हम यहाँ पे ये तो मतलब कॉमन फोर्सेस है, जो मैंने बोला था कि ये तो लगने ही वाले हैं। बट यहाँ पे मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट है एक्स वाई प्लेन की। तो ये एक्स वाई प्लेन कैसे ड्रॉ करूंगा, तो देखो ये और ये, ठीक है, ये मेरा एक्स वाई प्लेन हो गया। तो ये केस में ये एक्स वाई प्लेन में कितने फोर्सेस लग रहे हैं ये मुझे शॉर्ट आउट करना है, ठीक है। तो अब यहां पे जो एन है वो एन यहां पे थीटा एंगल बनाएगा, जहां पे थीटा बनता है वो क्या हो जाएगा, एन कॉस थीटा। तो इसका ये वाला कंपोनेंट एन कॉस थीटा एंड ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एन साइन थीटा। फ्रिक्शन, तो मतलब अगर आप गाड़ी में बैठे हो, इमेजिन करो कि ऐसी गाड़ी में बैठे हो और गाड़ी टर्न ले रही है, तो आप कहां मुड़ोगे, आप ऑलवेज सर्कल के, मान लो कि ये रोड है, ठीक है, और गाड़ी ऐसे टर्न ले रही है ऐसे, ठीक है। तो क्या होता है कि आपको एक फोर्स फील होता है, अगर गाड़ी यूं टर्न लेगी तो आप अंदर की तरफ मुड़ोगे और ऐसे टर्न लेगी गाड़ी तो बाहर की तरफ टर्न लोगे, मतलब कोई ना कोई एक डायरेक्शन में आपको फोर्स लगता है, ठीक है। तो वो फोर्स, अब मैंने बोला था स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है आपके मोशन के ऑपोजिट में, तो एग्जैक्टली यहां पर भी गाड़ी अगर ज्यादा स्पीड से टर्न लेगी ना, इमेजिन करो कि ऐसा रोड है और गाड़ी ऐसे गोल गोल घूम रही है, अगर ज्यादा स्पीड में गाड़ी ऐसे टर्न लेगी ना तो ये रोड में से बाहर चली जाएगी, और स्पीड कम होगी तो अंदर आ जाएगा। अगर गाड़ी, ये जो मौत के कुएं में क्या होता है, उसको एक स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है, मौत के कुएं में अगर वो ज्यादा स्पीड ले लेगा ना तो उसकी बाइक ऊपर आ जाएगी, और कम स्पीड करेगा तो बाइक नीचे आ जाएगी। सो टू मेंटेन द स्पीड, उसको टू मेंटेन द पोजिशन, उसको उसकी स्पीड भी मेंटेन करनी पड़ेगी। अब यहां पे एक्चुअली में गाड़ी की टेंडेंसी क्या होगी, स्पीड थोड़ी बड़ा होगी तो गाड़ी की टेंडेंसी होगी बाहर जाने की, बट गाड़ी बाहर नहीं जा रही है, मतलब कि यहां पे एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स यहां पे थीटा एंगल बनाएगा, तो ये फ्रिक्शन का यहां पे एंगल बनेगा इसका यहां पे एफ कॉस थीटा, और वही फ्रिक्शन का नीचे कंपोनेंट बनेगा एफ
साइन थीटा। अब मैंने बोला था कि फोर्सेस ऑलवेज पैर में होते हैं, एन कॉस थीटा की पैर बनाएंगे ये लोग, इनकी पैर कौन बना रहा है, तो यहां पे एम वी स्क्वायर बाय आर लगता है। वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि सर्कल में, सर्कुलर ट्रैक में जब गाड़ी टर्न लेगी तो एक साइड लगेगा एफ एस और दूसरी साइड लगेगा एम वी स्क्वायर बाय आर। तो यहां पे फ्रिक्शन का ये कंपोनेंट लगेगा एफ कॉस थीटा। तो आप, मैंने बोला कि टर्न लेते वक्त आप कभी ऐसे या कभी ऐसे हो जाते हो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स है एम वी स्क्वायर बाय आर। डजेंट मैटर विद द डिरेक्शन, एम वी स्क्वायर बाय यहाँ और एफ एस यहाँ हो तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों फोर्सेस की पोजिशन अगर इंटरचेंज भी हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहां पे होगा एम वी स्क्वायर बाय आर। रेडी, इट्स वेरी सिंपल, है ना। ये कंसेप्ट मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि थ्रेड है और यहां पे ऑब्जेक्ट को अगर गोल गोल घुमा रहे हो तो बाहर लगेगा एम वी स्क्वायर बाय आर, इधर लगेगा टेंशन टी। वैसे ही अर्थ के अराउंड में अगर मून मोशन कर रहा है तो बाहर लगेगा एम वी स्क्वायर बाय आर और अंदर लगेगा ग्रेविटेशन फोर्स जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, है ना। तो यहां पर भी सेम ऐसी यही चीज हो रही है कि यहां पे हो रहा है एक एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा और यहां पे हो रहा है एम वी स्क्वायर बाय आर। सारे फोर्सेस की पैर हो गई, इसकी भी पैर हो गई। सो अब मैं क्या करूंगा, नाउ लेट्स बैलेंस द फोर्स। तो ये वाला जो फोर्स है, पहले ये एक्स एक्सिस के फोर्स को बैलेंस करते हैं। तो एक्स एक्सिस के फोर्स को बैलेंस करोगे तो यहां पे लग रहे हैं कितने फोर्स, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा और दूसरी साइड लग रहा है एम वी स्क्वायर बाय आर। रेडी, चलो इसको दे दो इक्वेशन नंबर वन। सेम लाइक दैट, ऊपर लगेगा एन कॉस थीटा, नीचे लगेगा एम जी प्लस एफ साइन थीटा। इसको दे दो इक्वेशन नंबर टू। रेडी, चलो अब यहां पे जहां जहां भी आपको एफ दिख रहा है स्टेटिक फ्रिक्शन, वहां पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एफ एस इज प्रोपोर्शनल टू एन एंड एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस एन। तो अब जहां जहां भी तुमको एफ एस दिख रहा है उसकी जगह क्या डाल देंगे, म्यू एस एन। तो फिर से अब यहां पे क्या हो जाएगा, एन साइन थीटा प्लस म्यू एस एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, इक्वेशन नंबर थ्री। एंड एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस म्यू एस एन साइन थीटा, इसको दे दो इक्वेशन नंबर फोर। ठीक है, चलो अब हम यहां पे क्या करेंगे, तो ये जो फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस म्यू एस एन साइन थीटा, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक का है इक्वेशन नंबर 5.19b और ये जो फॉर्मूला है वो 5.20b। रेडी, चलो अब ये 5.19b को सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व 5.19b। तो चलो n cos थीटा और ये वाला टर्म है ना उसको लेफ्ट में ले लो, तो माइनस म्यू एस एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। अब इन दोनों में से n कॉमन निकाल दो, तो n कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो n इज इक्वल टू एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। रेडी, ये मुझे मिल गई n की वैल्यू। अब ये n की वैल्यू मैं डालूंगा 5.20b में, मतलब n की वैल्यू अब मैं डालूंगा ये वाले फॉर्मूला में 5.20b में, तो क्या होगा, पे अटेंशन। चलो पे अटेंशन, आई एम प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ एन इनटू हियर। तो
जहां पे एन है, पहले हम क्या करेंगे कि भाई एन को कॉमन निकाल देते हैं, इन दोनों में से एन को कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। अब क्या करेंगे, ये एन की वैल्यू यहां डाल देते हैं, एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। यहां पे एम एम कट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब क्या बचेगा, तो ये आर को मैं ऊपर ले लेता हूं, सो जी आर, और ये इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या होगा, साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। आर नहीं आएगा क्योंकि आर हमने ले लिया है ऊपर। चलो सो जी आर इंटू, अभी इसको मैं दोनों में डिवाइड करूंगा, जैसे कि ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर। चलो अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं कॉस थीटा से डिवाइड कर देता हूं। चलो सो साइन थीटा बाय कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, सारे फॉर्मूला को मैं कॉस थीटा से डिवाइड कर देता हूं। चलो इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो क्या हो गया भाई, जी आर साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, कॉस थीटा कैंसिल, तो वन माइनस म्यू एस टेन थीटा प्लस यहां पे कॉस थीटा कैंसिल, तो म्यू एस अपॉन सेम वन माइनस म्यू एस टेन थीटा, रेडी। चलो सो इज इक्वल टू वी स्क्वायर, सो अब यहां पे क्या हो जाएगा, जी इंटू आर टेन थीटा प्लस म्यू एस डिवाइड बाय वन माइनस म्यू एस टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो यहां पे ये जो वी स्क्वायर है, इसको अगर मैं वी कर दूं तो हो जाएगा अंडर रूट आर जी, क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर जी इंटू म्यू एस प्लस टेन थीटा बाय वन माइनस म्यू एस टेन थीटा, आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा डिवाइड बाय वन माइनस म्यू एस टेन थीटा। यह है मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम सेफ स्पीड टू टर्न ऑन अ कर्व्ड बैंक रोड, ठीक है। जनरली तो हमें पता है कि भाई हम अगर ऐसे रोड पे अगर गाड़ी को घुमाएंगे, डेथ वेल जो है, डेथ वेल भी इजी नहीं है, रिस्की है, क्योंकि वहां पे उसको स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है। मतलब ये हमने एक्चुअल में क्या फाइंड किया, डेथ वेल टाइप के केस में जो ड्राइवर है उसको कितनी स्पीड से ड्राइव करना चाहिए ताकि वो नीचे भी ना गिरे और ऊपर भी ना चला जाए, समझ में आए, नीचे भी ना गिरे और ऊपर भी ना जाए, उस तरह का हमें अरेंजमेंट यहां पे करना है। चलो
सो अगर उसकी स्पीड कम हो जाएगी तो यहाँ पे ये एम जी साइन थीटा उसको नीचे ले जाएंगे, और अगर उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो ये एम वी स्क्वायर बाय आर जो है ना, उसका एक कॉम्पोनेंट यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे अगर थीटा एंगल बनाओगे तो यहाँ पे कॉम्पोनेंट बनेगा एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा। तो अगर ज़्यादा स्पीड हो जाएगी, वी वेलोसिटी, ये स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो ये फोर्स बढ़ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, और अगर स्पीड कम हो जाएगी तो ग्रेविटी एम जी उसको नीचे खींच लेगा यहाँ पे, तो उसको स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी ये केस में। समझ में आ रहा है? ये परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाय आर जो है वो अगर देखने जाओ प्रैक्टिकली तो यहाँ पे थीटा एंगल बनाएगा, तो यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा बनेगा और यहाँ पे एम जी साइन थीटा बनेगा। मतलब स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई तो ये वी स्पीड बढ़ जाएगी तो गाड़ी ऊपर चली जाएगी, और अगर स्पीड कम हो जाएगा जाएगी तो ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगी तो नीचे आ जाएगी गाड़ी। बट हमें तो सेफली टर्न करना है, वो भी मैक्सिमम स्पीड से। तो ये फॉर्मूला है आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस म्यू एस टेन थीटा। रेडी? अगर ये जो फॉर्मूला है, अगर ये फॉर्मूला में हम म्यू एस जीरो कर देते, इफ म्यू एस इज इक्वल टू जीरो, अगर भाई म्यू एस जीरो कर देंगे तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगी? ये फॉर्मूला हो जाएगी वी इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी। चलो म्यू एस जीरो तो बचेगा क्या, जीरो प्लस टेन थीटा मतलब टेन थीटा बाय वन माइनस म्यू एस की जगह जीरो कर दो तो जीरो इंटू टेन थीटा जीरो हो जाएगा, तो वन माइनस जीरो वन, तो सिर्फ यही बचेगा। मतलब वी इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ये फॉर्मूला है हमारा ऑप्टिमम स्पीड का। किस चीज का फॉर्मूला है? ऑप्टिमम स्पीड का। रेडी? तो यहां पे म्यू एस जीरो, तो म्यू एस जीरो का मतलब क्या हो गया? तो भाई अभी ही हमने यहां पे पढ़ाया था कि अगर म्यू एस जीरो हो जाएगा तो हमारा फ्रिक्शन भी जीरो हो जाएगा। मतलब अगर ये रोड पे फ्रिक्शन ना हो तो इतनी स्पीड लगेगी, फ्रिक्शन ना हो तो इतनी स्पीड लगेगी। ठीक है? सो ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में जो देखा था उसमें भी एक फॉर्मूला देखा था कि वी इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस आर जी। ये किस चीज का फॉर्मूला था? ये भी मैक्सिमम सेफ स्पीड का ही था, बट कौन से रोड पे? लेवल रोड पे। अगर रोड सीधा है और गोल घूम रहा है तो मैक्सिमम इतनी स्पीड से टर्न लेना पड़ेगा, इतनी स्पीड से ले सकते हो सेफली। लेकिन बैंक है, मतलब टेढ़ा रोड है, इंक्लाइंड, तो ये फॉर्मूला। रेडी? और इसमें अगर फ्रिक्शन ना हो तो ये फॉर्मूला, जिसको ऑप्टिमम स्पीड बोलते हैं। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, एग्जाम्पल 5.10। ओके, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, पे अटेंशन। अ साइक्लिस्ट स्पीडिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर ऑन अ लेवल रोड। तो यहां पे देखो भी क्या दिया है हमें, लेवल रोड दिया है। ठीक है, और लेवल रोड पे उसकी वेलोसिटी कितनी है? वी इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर, जिसको तुम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। ऑन अ लेवल रोड टेक्स अ शार्प सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 3 मीटर। तुम्हें रेडियस दे रखी है 3 मीटर। विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड, ठीक है, उसको उसकी स्पीड रिड्यूस नहीं करनी है। कोएफिशिएंट जो है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड इज 0.1। द साइक्लिस्ट स्लिप वाइल टेकिंग द टर्न, विल द साइक्लिस्ट स्लिप वाइल द टेकिंग द टर्न। भाई एक साइकिल वाला है, वो लेवल रोड पे, सीधे रोड पे, ऐसे सीधा और गोल रोड है, उस पर इतनी स्पीड से जा रहा है, रेडियस दे रखी है तुमको 3 मीटर,
और स्टैटिक फ्रिक्शन दिया है इतना, तो क्या अभी वो गिर जाएगा कि क्रॉस कर लेगा सेफली? तो लेवल रोड के लिए हमने मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या देखा था? तो अभी ही मैंने आपको पढ़ाया था कि लेवल रोड पे मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला है अंडर रूट म्यू एस आर जी, ठीक है? तो म्यू एस कितना हो गया 0.1, रेडियस कितना है 3, और ग्रेविटी, भाई यहां पे ग्रेविटी की वैल्यू ले लो 9.8। रेडी, चलो तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यहां पे आपको वेलोसिटी कितनी मिलेगी? यहां पे वेलोसिटी आई थिंक आपको मिलेगी, सॉल्व कर लेते हैं, चलो ट्राई करते हैं, 1/10 इंटू 3 इंटू 98/10, तो वी मैक्सिमम कितना होगा? चलो 98 इंटू 3 294/100, मतलब वी मैक्सिमम हो गया हमारा अंडर रूट 2.94। रेडी, चलो तो अंडर रूट 2.94 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट वी मैक्सिमम इज इक्वल टू 1.71 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये रोड पे, जिस रोड जिसकी रेडियस 3 मीटर है, जिसमें ग्रेविटी 9.8 लगती है और जिसका कोएफिशिएंट 0.1 है, ऐसी रोड पे मैक्सिमम सेफ स्पीड से जाना हो तो इतनी ही स्पीड आपको रखनी चाहिए, ये मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड है। बट साइकिलिस्ट की स्पीड क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड, ज़्यादा है। सो ही विल स्लिप ड्यूरिंग मोशन, सिंपल। चलो नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल 5.11, पे अटेंशन। अ सर्क्यूलर रेस ट्रैक ऑफ रेडियस 300 मीटर, तो अगेन आपको रेडियस दे रखी है कितनी, 300 मीटर, इज बैंक एट एंगल ऑफ 15 डिग्री। भाई आपका जो रोड है वो 15 डिग्री के एंगल पे ऐसे बैंक है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन व्हील एंड रेस कार एंड द रोड इज 0.2, है ना? चलो आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, म्यू एस कितना दिया है 0.2। वॉट इज द ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द रेस कार टू अवॉइड वियर एंड टीयर ऑन इट्स टायर? भाई हमें ऑप्टिमम स्पीड फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है? ऑप्टिमम स्पीड। तो भाई ऑप्टिमम स्पीड की फॉर्मूला हमने अभी आपको दिखाई थी कि भाई ऑप्टिमम स्पीड क्या होता है, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। तो यहाँ पे अंडर रूट आर जी टेन थीटा, तो भाई आपको आर की वैल्यू दे रखी है 300, जी की वैल्यू लेनी है 9.8, टेन थीटा हो जाएगा 10 15। रेडी, चलो यहाँ पे 10 15 की वैल्यू आप नेचुरल टेंजेंट से भी ले सकते हो, सॉल्व करने पे आपको आंसर मिलेगा 28.1 मीटर पर सेकंड, ये हो गई आपकी ऑप्टिमम स्पीड। चलो क्वेश्चन में और क्या फाइंड करना है, बी पार्ट भी है भाई, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड टू अवॉइड द स्लिपिंग। मैक्सिमम स्पीड टू अवॉइड द स्लिप मतलब मैक्सिमम सेफ स्पीड टू टर्न ऑन कर्व्ड बैंक रोड, है ना? स्लिप नहीं होना मतलब हमें सेफली टर्न लेना है, तो उसके लिए मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए? तो भाई ये रहा ही फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला यहां फिर से लिखता हूं, अंडर रूट आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा बाय 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। चलो तो बस वैल्यूज रखनी है, फिर रेडियस कितना दिया है, रेडियस दिया है हमें 300, तो आर की जगह रख दो 300, ग्रेविटी ले लो 9.8, म्यू एस की वैल्यू आपको दे रखी है 0.2, सो 0.2 प्लस 10 15 डिवाइड बाय 1 माइनस, म्यू एस की जगह रख दो 0.2 एंड 10 थीटा की जगह जगह 10 15। ये पूरा जब इसको सॉल्व करोगे 10 15 की वैल्यू डालने के बाद, ये टर्म सॉल्व करो, फिर नीचे वाला टर्म सॉल्व करो, फिर इन दोनों को डिवाइड करो, फिर उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर निकालो उसका अंडर रूट। ये सब करने के बाद
आपको वी मैक्सिमम की वैल्यू मिलेगी 38.1 मीटर पर सेकंड। मतलब ऐसे 15 डिग्री वाले बैंक रोड पे जिसकी रेडियस 300 मीटर है उस पे अगर आपको सेफली टर्न लेना है तो मैक्सिमम स्पीड आपकी 38.1 मीटर पर सेकंड ही होनी चाहिए। इससे ज़्यादा स्पीड होगी तो आप रोड के बाहर चले जाओगे, समझ में आया? चलो, सो एज वी कैन से कि भाई थियरी पोर्शन कॉम्प्लिकेटेड है, लेवल रोड की थियरी भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी और ये कर्व रोड जो है उसकी थियरी भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, है ना? कितने सारे फोर्सेस लगते हैं, देखो कितना खिचड़ी हो गया। बट जो रेड मैंने मार्क किया ना एक्स एंड वाई, हमें वही फोर्स को ध्यान में लेना है। थियरी कितना कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा है, बट न्यूमेरिकल्स देखे, अगर आपको सिर्फ फाइनल फॉर्मूला भी याद हो ना तो सीधी फॉर्मूला में वैल्यू रख के आपको सीधे न्यूमेरिकल के आंसर्स ही लाने हैं, है ना? तो थियरी एक टाइम अगर नहीं भी पढ़ते हो ना तो कोई इशू नहीं है, बट फॉर्मूलाज याद रखो। सी तुम लोग 11th में हो, आई एम सेइंग अगेन कि थियरी या रट्टा मारने की कोई ज़रूरत है नहीं अभी फिलहाल, उसके लिए 12th है। आप लोगों को नोट्स बनानी है तो सिर्फ एक ही चीज़ की नोट्स बनाओ, न्यूमेरिकल्स की, बस इल्यूस्ट्रेशन के और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स की ही नोट्स बनाओ बस। थियरी पढ़ो, उसके कंसेप्ट को याद रखो, है ना, बट नोट्स बनानी हमें न्यूमेरिकल की, प्रैक्टिस करो न्यूमेरिकल की। टेक्स्ट बुक कंप्लीट हो रही है तो कोई अच्छी सी रेफरेंस बुक पकड़ो, बेस्ट रेफरेंस बुक है SL Arora, ठीक है, ये परचेज कर लो। कोई अच्छी स्टेशनरी होगी तो वहाँ पे मिल जाएगी, Amazon पे भी मिलती है SL Arora, परचेज कर सकते हो, उसमें से पढ़ो, उसमें से न्यूमेरिकल सॉल्व करो, है ना। सो प्रैक्टिस करो सेल्फ, क्योंकि न्यूमेरिकल्स वैसे इजी है, बस फॉर्मूला याद है तो उसमें वैल्यू से कैलकुलेटर ही मारना है ना। चलो तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द मैसेज सेक्शन। एंड कल से हम डायरेक्ट पीछे एक न्यूमेरिकल है, एक थियरी है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन मैकेनिक्स, बट ये थियरी इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। ये चैप्टर में जितना इंपॉर्टेंट है वही पोर्शंस में लूंगा, सीधा हम जंप करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज से, ठीक है। टिल दैट प्रैक्टिस वेल, स्टडी वेल, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।